करी पत्ते का इस्तेमाल अक्सर साउथ इंडियन खाने का जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब तो लोग हर चीज में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन इसकी खूबी सिर्फ जायका बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये स्वास्थ्य को भी कई सारे लाभ प्रदान करता है। खास करके ये डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कैसे करी पत्ता आपके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो करी पत्ते के अर्क में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने वाली क्षमता होती है। करी पत्ते शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को सक्रिय करते हैं और इसीलिए इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण होते हैं, जिससे ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। करी पत्ते में उच्च फाइबर सामग्री कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया को धीमा करती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करती है। आपको बता दें कि करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करते हैं। ये कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वहीं इससे मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। सही वजन डायबिटीज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए आपको बताते हैं डायबिटीज में करी पत्ते का सेवन कैसे करें। सुबह के वक्त खाली पेट 5 से 6 करी पत्ते चबाने से आपको फायदा मिल सकता है। आप करी पत्ते की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा इसके पाउडर को सूप या सलाद में मिलाकर भी आप खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद सुबह खाली पेट 5 से 6 करी पत्ते चबाने से होता है। तो आप भी अगर डायबिटीज के मरीज हैं और आपका शुगर हमेशा हाई रहता है, तो आप 5 से 6 करी पत्ता सुबह खाली पेट जरूर चबाएं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।